हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने ये यूट्यूब चैनल पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए खोली है, तो अभी मैं एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि आपको नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन का माहौल है, इसी कारण से मुझे आपको स्लाइड के मदद से चैप्टर्स को पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से मैं वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं आपको सबसे पहला चैप्टर नाइन्थ का साइंस सब्जेक्ट का, वो है एट्थ नंबर चैप्टर जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, मोशन चैप्टर, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मोशन चैप्टर में आपको स्टार्ट करने से पहले मोशन के बारे में आपको कुछ ब्रीफिंग दे देता हूँ। मोशन क्या होता है? आप रियल लाइफ वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो मोशन आप देख सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो स्विम कर रही हैं। उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ट्रेन क्या चल रही है, मूव कर रही है। तो ये सब क्या है? मोशन का एग्जाम्पल है। कोई इंसान चेयर पे बैठा है, वो भी एक तरीके का मोशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन क्या किसी भी तरीके का हो सकता है? बस मोशन को समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे पहला टॉपिक आपको जो समझना है वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आप समझिए मोशन आपने समझ लिया। तो हम लोग क्या रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट का अगर डेफिनेशन बोलें तो बोलते हैं वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये महाशय, ये जो इंसान है या जो ह्यूमन बींग है, वो एक कार लेकर के मूव कर रहे हैं। तो ये कार मूव कर रही है, इस किसके रेफरेंस में मूव कर रही है, मतलब ये मूव कर रही है तो किसके रेफरेंस में? तो यहाँ पर ये जो ट्री है, इस ट्री के रेफरेंस में ये कार मूव कर रही है, मतलब ये कार इस ट्री की तरफ आ रही है। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके आधार पर हम जज कर सकते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है या तो रेस्ट में है या मतलब रुकी हुई है। और इसको अच्छे से समझते हैं। एक इंसान बाहर खड़ा हुआ है, पटरी के जस्ट बगल में खड़ा हुआ है, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, ट्रैक्स होती हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो उस टाइम पे रेफरेंस पॉइंट क्या है? उस टाइम पे रेफरेंस पॉइंट वो इंसान है जो कि पटरी के बगल में खड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेन क्या हो रही है, मूव कर रही है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ट्रेन के अंदर ही मान लीजिए दो पर्सन है, पहला पर्सन को मैं एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा पर्सन बैठा है वह रेस्ट में है। तो आप समझ सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको जो मोशन डिसाइड होता है कि वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट। तो रेफरेंस पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप जज कर सकते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है या कि वो रेस्ट में है। और हर रेफरेंस अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए बॉडी अलग अलग तरीके के मोशन में हो सकती है। ठीक, आप समझ चुके हैं। इसके जस्ट बाद हम समझेंगे कि मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है। जैसे आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि इंसान क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ये दौड़ रहा है। दूसरी एक लड़की है जो कि यहाँ बैठी हुई है, तो ये लड़की रेस्ट में है। किसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? ये जहाँ पे बैठी है उसके रेफरेंस में, मान लीजिए एक कमरे के अंदर बैठी है, तो उसके रेफरेंस में क्या है, ये जो लड़की है ये रेस्ट में है। और ये जो इंसान मूव कर रहा है, ये इंसान मूव जो कर रहा है, ये दौड़ रहा है, ये किसके रेफरेंस में मूव कर रहा है? ये आपको मूव कर रहा है कोई इंसान जो इसको देख रहा है, या तो ये जो जिस कमरे में या जहां पे मान लीजिए किसी गार्डन में दौड़ रहा है या रोड पे दौड़ रहा है, तो उसके रेफरेंस में क्या है, ये इंसान दौड़ रहा है। ठीक, तो इसी से आप ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। देखिए कि जब कभी भी कोई इंसान मूव करता है, कोई बॉडी मूव करता है, तो वो किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव करता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। या कोई बॉडी, कोई इंसान अगर बैठा हुआ है रेस्ट में है, तो वो भी किसी के बॉडी, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है, जो चीज मैंने आपको समझाया था। तो
ये आपको समझ में आ चुका है। अभी हमको ये समझना है कि मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मोशन मेनली तीन तरीके के होते हैं आपके लेवल में, नाइन्थ के लेवल में। वैसे तो मैं नाइन्थ, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस को मैं पढ़ाऊंगा, मतलब फिजिक्स मतलब कि साइंस और मैथ्स में पढ़ाऊंगा। तो जब आप 11th की पढ़ाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको टाइप्स ऑफ मोशन छह तरीके के हो जाएंगे, लेकिन अभी 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तीन टाइप ऑफ मोशंस आपको समझना है। तो वो कौन कौन से मोशंस हैं? एक है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको आप 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लीनियर मोशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। रोटेटरी मोशन मतलब सर्कुलेटरी मोशन, ये आप पढ़ेंगे। और एक होता है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो इन तीनों को आप इस डायग्राम से समझिए। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि लीनियर मोशन में ये इंसान लीनियरली मूव कर रहा है, मतलब एक सीधाई में एक लाइन पे ये मूव कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। जबकि अगर कोई चीज या कोई बॉडी अगर एक सर्कल में मूव करे, जैसे क्या है, ये अर्थ जो है वो आपको सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है सर्कुलेटरी मोशन में, ठीक, और अपने एक्सिस में। ये तो आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। जो 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 मतलब जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस में रोटेट करती है। अगर वो अपने एक्सिस में रोटेट नहीं करेगी तो क्या हो रहा है, दिन रात जो ये जो होता है, मतलब जो जो दिन होती है, रात होती है 24 घंटे की, ये सब नहीं होता। समझ पा रहे होंगे आप शायद, ठीक। और आप ऑसिलेटरी मोशन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा एग्जाम्पल, जो पेंडुलम का एग्जाम्पल जो होता है, पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम को आप एक जगह लटका दीजिए और इसको आप मूव करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये मान लीजिए ये पेंडुलम है, इसको मान लीजिए आप यहां लेके गए, ए पॉइंट पे लेके गए और वहां से छोड़ दिया इसको, तो क्या होगा, ये ओ से होते हुए बी पे जाएगा, ये मोशन क्रिएट हो गया है। इसको जो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये भी आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। फिर बी पे इसका पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कारण से क्या होगा, इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना है, तो ये ओ की तरफ बढ़ा फिर ए पे आया। तो इस तरीके से क्या ये मोशन होते रहेगा अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होती, जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे, जो फोर्स जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता, ये जो बॉडी है जो ओ पोजीशन पे था, जिसको हम ए पे लेके गए, वो हमेशा के लिए ऐसे ही ऑसिलेटरी मूवमेंट ये करती जाती। तो आपको इस तरह से समझ में आया कि आपको तीन टाइप ऑफ मोशंस को कवर अप करना है 9th में, जिसमें आपको मेनली इस चैप्टर में आपको लीनियर मोशन के बारे में समझना है, ठीक। तो हम लोग लीनियर मोशन को समझते हैं। तो लीनियर मोशन समझने से पहले हमको कुछ और समझना पड़ेगा, जो कि होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पाएंगे वो आपको फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक। इतना आप समझ चुके हैं, जैसे मान लीजिए आपका मास, मतलब आपका कितना मास है, मान लीजिए आप 30 किलो के हैं, तो 30 किलो क्या है, वो आपका एक मास है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है, मान लीजिए 5 फुट 7 इंच है, तो आपने उसको मेजर कर दिया, मतलब ये एक क्वांटिटी है। और इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टाइप की होती है भाई? आपको होती है एक स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इतना आप समझ गए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपका मास 30 किलो है, लेकिन हम लोग नॉर्मली वेट को मास के साथ कंपेयर कर देते हैं। वेट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि मास है हमारा 30 किलो है। क्यों? क्योंकि उस 30 किलो के साथ जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो धरती हमारे ऊपर, जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है, जो जी की वैल्यू होती है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो वेट रियल टर्म होना चाहिए, लेकिन हम लोग मास को यूज करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो आप इससे यहीं से एक आपका डेफिनेशन निकल के आ गया वेक्टर का, कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ समझना पड़ता है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे आप बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा टाइप का क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि मैं 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब मैंने 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। अगर मैं बोलूं कि मैं केवल 10 किलोमीटर चला, तो वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि वहां पे मैंने डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने इमेज के माध्यम से यहाँ पे रख दिया है। तो आप देख सकते हैं वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट जो अभी मैंने आपको बोला कि वेट में मास के साथ जो जी होता है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको इनटू कर देने से वो क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको मैं आगे आपको समझाते चलूंगा। स्केलर क्या, टाइम एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डिस्टेंस ये मतलब क्या डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। मास जैसे मैं अभी बोला था 30 kg, मास एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। ऐसे ही डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या है आपको स्केलर क्वांटिटी, जिसको मैं आगे आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक, तो आप अभी तक में थोड़ा बहुत तो समझ चुके होंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर क्या है। तो मोटा मोटी आप ये समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल उसकी मैग्नीट्यूड होती है, मतलब उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जबकि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक, आप समझ गए, अब आगे चलते हैं। तो मोशन चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या कवर अप करना है, तो मोशन चैप्टर में हमको मेनली डिस्टेंस समझना है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ्स इससे रिलेटेड जो सारी क्वांटिटीज उससे रिलेटेड ग्राफ्स बनाना है, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसे हमें समझना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या डिस्टेंस समझते हैं, तो डिस्टेंस को समझने से पहले हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। देखिए ये एक एक फैमिली है, ये यहां से चलना शुरू करी और उसको जाना है इस अपने घर पे। ठीक, तो वो दो तरीके से जा सकती है, कैसे जा सकती है, एक नॉर्मल सा तरीका क्या है कि ये फैमिली यहां से चली, चलते गई इस ट्री के पास पहुंची, इस ट्री से ये अपने घर पे पहुंच गए। मतलब इन्हें क्या, इन्होंने क्या किया, टोटल एक्चुअल पाथ कितना कवर अप किया, यहां से 4 meters इन्होंने कवर किया और यहां से 3 meters कवर किया, मतलब टोटल इन्होंने 7 meters पाथ कवर किया टोटल पाथ, तब जाकर के वो अपने घर पे पहुंच पाए। ठीक, अब इस वाले लाइन को आप देखिए, जो रेड लाइन है, रेड लाइन को आप देखिए, तो रेड लाइन में इसने क्या किया, केवल 5 meters इन फैमिली ने, फैमिली मेंबर्स ने केवल 5 meters ट्रेवल किया, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहीं से आपको एक डेफिनेशन क्रिएट होकर के आती है कि डिस्टेंस क्या है, आपको टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, मतलब एक बॉडी या एक इंसान के द्वारा या किसी भी थिंग के द्वारा टोटल एक्चुअल लेंथ जो कवर अप की जाती है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर अप करिए, कहां से कहां के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में। और ये आप समझ पा रहे होंगे 5 meters कहां से आया, आपको ये पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो 3 square 9 और 4 square 16, 9 plus 16 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 meters। तो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पता चला होगा। तो अब बाकी हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको इतना समझ में आ चुका है। तो डिस्टेंस क्या है, ये मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मैंने डिस्टेंस क्रिएट किया है, और आप लोग भी एनसीईआरटी को पहले फोकस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई बातें बहुत आपको 9th-10th में बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको, अगर आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेते हैं तो 9th में आप 90+ स्कोर कर सकते हैं साइंस में। ठीक, तो देख, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है कि आपको डेली एवरी यूसेज में डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल लेंथ और एस्टिमेशन है बेस्ड ऑन अदर क्राइटेरिया, मतलब दो दो चीजों के बीच में या दो पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल जो लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको मैंने अभी समझाया। ठीक, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर, मतलब हम लोग इसको मीटर में मेजर करते हैं, ये आपको समझना था। ठीक, तो आप डिस्टेंस समझ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक, आपको लेकिन चेंज इन पोजीशन पोजीशन जो करना है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, मतलब जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इसी में एनसीईआरटी के लैंग्वेज में इसने सिखाया है कि मान लीजिए कोई इंसान किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो हो सकता है। ठीक, तो ऐसा क्यों है, इसी एग्जांपल से एक बार आप समझिए।
मान लीजिए इस पॉइंट से ये फैमिली मेंबर्स जो हैं चले, यहाँ अपने घर पे पहुंचे, घर से फिर वो मान लीजिए फिर वापस आ गए, तो क्या हुआ? टोटल जो आपको जो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अभी क्या रह गई? जीरो रह गई। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन पहले ये ट्री थी, ये जा करके अगर फैमिली मेंबर वापस आ गए तो क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, कोइंसाइड कर गई एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो जो एक्चुअल लेंथ था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है, निगेटिव तो होती ही है लेकिन उसके साथ साथ जीरो भी होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन को कंसिडर करता है। यहां पर उसने एग्जाम्पल बताया कि अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, अगर कोई इंसान कहीं से भी स्टार्ट करे और उसी पोजीशन पे अगर वापस आ जाए तो मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हुआ, कोइंसाइड कर गया, ठीक है। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक। इतना आप समझ चुके हैं, इस एग्जांपल को तो मैंने समझा दिया। अब हम लोग समझेंगे मोशन के कुछ टाइप्स को, मतलब किस तरीके के मोशन हो सकते हैं। तो नॉर्मली फिजिक्स में आपको, 9th की फिजिक्स में आपको दो तरीके के मोशन पढ़ना है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस डायग्राम को आप